70 दिनों की विश्व यात्रा पर निकले श्री श्री रविशंकर का रूस में भव्य स्वागत हो रहा है। रूस में श्री श्री के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के रूस के कजान शहर में 10 सितंबर को किया गया कॉन्सर्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। कॉन्सर्ट में एक साथ 261 वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 261 अकॉर्डियंस के साथ हुए इस स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में करीब 3000 लोग शरीक हुए। इनमें बड़ी तादाद में बच्चे और युवा थे। श्री श्री की मंगोलिया यात्रा के दौरान इंडिया टीवी संवाददाता योगेश सिंह ने उनसे बात की। हम खड़े हैं मंगोलिया के पार्लियामेंट हाउस के सुखपात्रा स्क्वायर पर और हमारे साथ हैं श्री श्री रविशंकर। श्री श्री जी, 70 दिनों से आप पूरे यूरोप की, अमेरिका की और अब यहाँ यात्रा में, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा रहा। यात्रा में कई चीजें देखने को मिली कि एक तो जो यहाँ के लोग, जो गरीब तक के लोग हैं, जो हिंदुस्तान नहीं आ पाते हैं, हमसे मिल नहीं पाते हैं, उनमें जितना भाव है भारत के प्रति, हमारे अध्यात्म के प्रति जो प्यास है, वो देखने को मिला। श्री श्री, हमने देखा यहाँ पे 90% से अधिक आबादी को न हिंदी आती है और न इंग्लिश आती है, फिर भी वो सब आपके दीवाने हैं। जो दिल की जुबान है ना, वो तो समझते हैं लोग। भाषा से परे है ना, इसीलिए अध्यात्म कहते हैं। जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे जो आत्मा से जो जुड़ी हुई बात होती है, वो भाषा की जरूरत नहीं पड़ती, भाव समझ लेते लोग, पकड़ लेते हैं। धर्म परिवर्तन की बात करते हैं लोगों को, आपका क्या? जब भी एक आदमी अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म लेता है, तो आप जिस धर्म को छोड़ रहा है उसका निंदा कर रहे हैं, वो सही नहीं है। इसका मतलब उस धर्म को उन्होंने गहराई से देखा नहीं, समझा नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय धर्म, जो सनातन धर्म की बात यही है, हम किसी को बाहर नहीं करते, जिसको कहते हैं ऑल इंक्लूसिव, सबको अपनाते हैं, एक तरह का विशाल दृष्टिकोण, यही धर्म का मूल लक्ष्य होना चाहिए। अब ये धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल मैं इस पक्ष में नहीं, सब धर्म की अच्छी बातों को ले लें और अपने धर्म को धर्म पर डटे रहे, धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आपका कोई सपना? मेरा तो यही है, भारत का फिर अपना शान, फिर अपना सिर उठाए, जगत गुरु बने भारत। तो ये थे दुनिया को आर्ट ऑफ लिविंग का मंत्र देने वाले श्री श्री रविशंकर। अनिल, कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ योगेश सिंह, उलान बटोर, इंडिया टीवी। और थोड़े से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सैकड़ों साल पुरानी बेशकीमती मंगोलियाई धरोहर। श्री श्री रविशंकर अपनी यात्रा पर रूस ही नहीं बल्कि मध्य एशियाई देश मंगोलिया भी पहुंचे। 30 लाख की आबादी वाले इस देश में करीब श्री श्री के 10 लाख भक्त हैं। श्री श्री अपनी मंगोलिया यात्रा के दौरान एक खास जगह भी गए। यहाँ दर्जनों की तादाद में टेंट लगे हुए थे। ये टेंट खास मंगोलियाई टेंट थे और पुराने जमाने में इन टेंट्स में मंगोलिया के राजा और रानी रहा करते थे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इन्हीं टेंट्स में दरबार का भी इंतजाम होता था। टेंट में मंगोलियाई प्रतीकों को आज भी हिफाजत के साथ रखा गया है। जो भी राजा बनते थे, फिर उनको वो परंपरागत नहीं मगर उनको चुनते थे लोग, चुनाव होता था। उनमें जो सबसे बलशाली, बलवान है और ताकत है, जिसमें सबको संभाल पाएगा, ऐसा व्यक्ति को चुनकर उनको खान की पदवी देते थे। फिर वो खान से नाम बन गया था, नाम के साथ जोड़ने लगे। मुगल यहाँ से तो आए, मुगल ने आके हिंदुस्तान में राज किया, अपने लोग तो इनके दिल पे राज करते हैं। ये ऐसे ट्राइब्स की एक अलग अलग, जैसे पुराने जमाने में इनका होता था, ऐसे इन्होंने सब बनाए रखा।
लेकिन इनमें भी त्रिशूल रहा, सब रहा, तो एक तरह की जो इनकी अपनी कल्चर है। और हम लेंगे